हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर. द टॉपिक इज रिलेशनल अलजेब्रा विच केम इन 1970 एंड गिवन बाय ईएफ कोड हु इज़ द फादर ऑफ डीबीएमएस. रिलेशनल अलजेब्रा को हम प्रोसीजरल लैंग्वेज या फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. रीज़न क्या है? बिकॉज फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज या प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामर या यूज़र क्वेरी लिख रहा है उसको दो चीज़ें मैंशन करनी पड़ती हैं. वन इज़ वट टू डू एंड द अदर वन इज़ हाउ टू डू. ये व्हाट टू डू और हाउ टू डू का मतलब क्या? एक्चुअल में हम रिलेशनल अलजेब्रा को यूज़ क्यों कर रहे हैं? डेटाबेस को एक्सेस करने में. मतलब मेरा डेटाबेस बैकएंड पे पड़ा है और यूज़र्स जो हैं वो रिमोट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे पहला पॉइंट क्या आता है? व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है, क्या करना है एक्चुअल में? डेटा को एक्सेस करना है. बट उस डेटा को एक्सेस कैसे करना है, उसके लिए क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, क्या फंक्शन है, दैट यू हैव टू मेंशन इन द क्वेरी. मतलब रिलेशनल अलजेब्रा सी प्रोग्रामिंग की तरह है. सी में भी हमें एक्चुअल में करना क्या है वो भी मेंशन करना पड़ता है, प्लस उस काम को करना कैसे है, दैट इज व्हाट वी हैव टू मेंशन बोथ द थिंग्स. तो इसीलिए प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब एक्चुअल में ये होता है. दूसरा पॉइंट, रिलेशनल अलजेब्रा जैसा कि हम जानते हैं कि 1970 में आया, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के टाइम पे इसका क्या वैल्यू है? एक्चुअल में जो आज के टाइम हम यूज करते हैं SQL, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का बेस क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा. रिलेशनल अलजेब्रा एक्चुअल में कहीं इंप्लीमेंट नहीं है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की कलेक्शन है. अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया है कि डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मॉडल्स को यूज किया किसको बनाने में? SQL को बनाने में. और SQL हम यूज करते हैं, चाहे हम Oracle 9 यूज करें, Oracle डिफरेंट डिफरेंट वर्जन यूज करें, चाहे हम Microsoft SQL सर्वर यूज करें, चाहे हम IBM DB2 यूज करें, whatever प्लेटफॉर्म्स वी आर यूजिंग, उनमें यूज क्या हो रही है? SQL. लेकिन उस SQL को बनाने में हेल्प किसने की है? रिलेशनल अलजेब्रा में. दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, गेट की, UGC नेट की, उसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर. मतलब अब अगर मैं बात करूँ 2018 की, यहाँ पे अब बहुत हम इवन SQL को भी यूज नहीं कर रहे. आज के टाइम हम मूव कर रहे हैं अपनी सारी टेक्नोलॉजी NoSQL के ऊपर. अब NoSQL यूज कर रहे हैं, उससे पहले SQL यूज करते थे. SQL से पहले क्या चलता था? दैट इज अ रिलेशनल अलजेब्रा. तो इसी वजह से ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे आस्क द क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं? बेस से. मतलब जो आज करंट टेक्नोलॉजी चल रही है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को बनाने में हेल्प किसने की है? एक्चुअल में वहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस होते हैं. तो रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना है. लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो मैंने यहां पे मेंशन किए हुए हैं. एक तो बेसिक ऑपरेशंस है और दूसरे हैं डिराइव्ड ऑपरेशन. ये 6 बेसिक ऑपरेशंस है, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, रीनेम, सेट डिफरेंस. और साथ में जैसा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बता रहा हूं वो वहां पे मेंशन किए हुए हैं. इसके साथ साथ डिराइव्ड ऑपरेशन में आता है जॉइंस, इंटरसेक्ट, डिवीजन. मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, डिराइव्ड ऑपरेशंस में जो जॉइंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ज्वाइन कोई एक टाइप का नहीं है, मल्टीपल टाइप के ज्वाइंस है, कंडीशनल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन. ये हम सारे ऑपरेशंस को एक एक करके हम इसको देखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसको यूजेबिलिटी, मतलब इसको कैसे यूज करते हैं, दैट वी विल सी इन द फर्दर वीडियोस. तो यहाँ पे ज्वाइंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये रिलेशनल अलजेब्रा में भी आ सकता है, ये नॉर्मल SQL में भी आपसे पूछा जा सकता है. दोनों में कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है, बट फर्क क्या आता है? सिर्फ क्वेरी की लैंग्वेज का, मतलब लिखने का तरीका अलग है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है. तो अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा को अच्छे से समझ जाते हो तो SQL को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इन सारे ऑपरेशंस को हम फर्दर वीडियोस में एक एक करके देखेंगे. थैंक यू.